एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेकपोक पे। गेमिंग बर्ड्स लेना चाहते हो आप सब तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। मैंने कुछ दिन पहले डीफी ग्रेविटी टर्बो का अनबॉक्सिंग रीड डाउन रिव्यू किया था और अच्छे हैं बर्ड्स, डेफिनेटली अच्छा वर्क कर रहे हैं। गेमिंग लेटेंसी आपको अच्छी खासी मिलती है, 55 मिली सेकेंड की लेटेंसी मिल जाती है, आई गेस 50 मिली सेकेंड की मिलती है, और लैग मेरे को बिल्कुल नहीं दिखा। बेस बहुत तगड़ा मिलता है आपको इसमें। बट यहाँ पे आज हम कंपेयर करेंगे विंग्स फैंटम 250 से, जो कि आने वाले हैं 899 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। वैसे डीफी ग्रेविटी टर्बो मैंने 999 रुपीज़ के बाई किए थे तो 100 रुपये महंगे थे। तो विंग्स फैंटम 250 क्या चीज़ें लेके आते हैं, क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं इसमें, क्या बेटर है डीफी ग्रेविटी टर्बो से या आपको विंग्स फैंटम 250 ही लेने चाहिए, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में ताकि आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। लुक और बिल्ड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं वो प्रीमियम यूज़ करे गए हैं आपके फैंटम 250 में। यहाँ पे यूनिट ग्रेफीन के यूज़ करे गए हैं और यहाँ पे टर्बो में यूनिट कॉपर का है, तो ओवरऑल यहाँ पे साउंड में डिफरेंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और बिल्ड दोनों में ही प्लास्टिक ही मिलता है, ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ भी मिलता है आपको। और केस किसका बेटर लगता है देखने में, मेरे को पर्सनली टर्बो का ज़्यादा, मतलब लाइटनिंग इसमें ज़्यादा इफेक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फैंटम 250 में। थोड़ा सा कम RGB लाइटनिंग मिलती है बट टर्बो में बहुत ज़्यादा लाइट मतलब फेंकता है बाहर की तरफ, 10 मीटर तक की रेंज मिल जाती है। बट यहाँ पे ब्लूटूथ 5.2 यूज़ किया गया फैंटम 250 में, टर्बो में 5.1 है। 50 मिली सेकेंड की लो लेटेंसी मिलती है टर्बो में और फैंटम में 40 मिली सेकेंड की मिलती है, तो यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे बेटर मिल जाता है आपको फैंटम 250। आगे बात आती है यहाँ पे IPX5 की रेटिंग मिल जाती है दोनों में ही, स्वेट और स्प्लैश रेजिस्टेंट मिल जाते हैं। ड्राइवर साइज़ की बात करते हैं, 13 mm के ड्राइवर साइज़ बढ़े तो उसकी वजह से साउंड जो आउटपुट है वो लाउड मतलब ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा फैंटम 250 में एज़ कम्पेयर टू टर्बो। टर्बो में 10 mm के गुड बास वाले ड्राइवर्स यूज़ करेंगे, स्टीरियो इफेक्ट तो दोनों में देखने को मिल जाता है। अब बात आती है माइक रेटिंग की, तो DNS टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है यहाँ पे फैंटम 250 में। अब DNS एक फैंसी वर्ड है, इस तरीके से आपको ENC जो होता है ना, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, उस तरीके का मिलता है टर्बो में। तो यहाँ पे डेडिकेटेड माइक है, तो यहाँ पे मैंने खुद पर्सनली यूज़ किया है, टर्बो तो है मेरे पास, मैंने अनबॉक्सिंग किया हुआ है इसका, तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर आपको क्वालिटी मिलेगी क्योंकि दो माइक मिलते हैं, एक लेफ्ट बर्ड में और एक राइट बर्ड में, तो यही एक अंतर है कहीं ना कहीं। 100 rupees एक्स्ट्रा आपको देने पड़ रहे हैं टर्बो के लिए, और इसी के साथ साथ स्टीरियो इफेक्ट भी देखने को मिलता है दोनों ही मतलब बर्ड्स में। और आप सिंगल बर्ड से भी कॉल ले सकते हो, ऐसा नहीं आपको दोनों ही बर्ड्स निकालने पड़ेंगे। फैंटम में ऐसा नहीं, सिंगल ही माइक है, दोनों में एक एक माइक मिलता है आपको बर्ड्स में, तो एक बर्ड से भी आप बात कर पाओगे। कॉल क्वालिटी एवरेज है फैंटम की डेफिनेटली, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सिंगल माइक वाले बर्ड्स जो होते हैं वो मेनली उसमें एवरेज ही होती है। बट मेरे को सबसे पहले जो बेस्ट लगे थे एयरबर्ड्स मिनी जो मेरे पास पड़े हुए हैं वो मेरे को बहुत बेटर लगे थे, क्योंकि उसमें आपको इवन सिंगल बर्ड में एक ही माइक मिलता है, उसके बावजूद भी जो कॉल क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी लगी मेरे को। टर्बो में आपको कॉल क्वालिटी बेटर मिलती है डेफिनेटली। कंट्रोल्स की बात करते हैं, टच कंट्रोल दोनों मिलते हैं, गूगल सीरी को भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। गेमिंग मोड पे जाना है तो दोनों ही बर्ड्स को आपको टैप करके रखना है, 2-3 सेकंड के लिए गेमिंग मोड ऑन हो जाएगा आपका। और बात करें बैटरी बैकअप, बैटरी कैपेसिटी की, तो यहाँ पे बैटरी जो कैपेसिटी है फैंटम में तो बता रखी है करीब 480 mAh केस मिलता है आपको। टर्बो में नहीं पता मेरे को, बट मेरे ख्याल से 400-450 mAh का केस मिलेगा इसमें भी आपको। और फास्ट चार्जिंग दोनों में सपोर्ट करता है, टाइप सी पोर्ट दोनों में मिल जाता है, तो अच्छी बात है। आगे बात आती है यहाँ पे डीफी ग्रेविटी टर्बो वर्सेस फैंटम 250 में। यहाँ पे सबसे बेटर, सबसे जो मेन सेगमेंट होता है वो है साउंड क्वालिटी, स्पीकर की क्वालिटी, साउंड आउटपुट, मिड्स लोज हाइज कैसे परफॉर्म करते हैं। तो टर्बो में ओवरऑल बैलेंस साउंड मिलती है, बट ये है कि मतलब कॉल जब आप करते हो ना तो उसमें थोड़ी सी लो आवाज़ मिलती है, जब आप सॉन्ग सुनोगे तो उसमें ज़्यादा आवाज़ मिलती है। आई डोंट नो यहाँ पे कैसे किस तरीके से ट्यून किए गए कि साउंड आउटपुट तो बहुत तगड़ा मिलता है, बहुत ही बेटर मिलता है टर्बो में, बट जो कॉल जब आप रहते हो ना, कॉल पे रहते हो, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं साउंड आउटपुट थोड़ा सा कम मिलता है, मतलब सामने वाले की आवाज़ कम आती है। फैंटम में ये इशू नहीं मिलेगा आपको, बट यहाँ पे फैंटम में जो ओवरऑल साउंड क्वालिटी है वो टर्बो से नीचे है। बेस नॉर्मल मिलता है फैंटम में आपको, टर्बो में आपको बेस तगड़ा मिलता है। अब फैंटम में ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि फैंटम के मेरे पास 1100 या 1000 जो नेकबैंड थे सीरीज वो मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैंने अनबॉक्सिंग भी कर रखा है उसका चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। तो जो पिछला आउटपुट है, मतलब पिछला इनकी जो रेंज रही है, तो उसमें जो बेस है वो ज़्यादा नहीं मिलता है आपको एज़ कम्पेयर टू डीफी। डीफी के जो लाइनअप रहे हैं ना, मैंने जो भी अनबॉक्सिंग किए हैं, मतलब ईयरबड्स या नेकबैंड, उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको बेस देखने को मिलता है। तो ओवरऑल फैंटम यहाँ पे इस सेगमेंट में हार जाते हैं म्यूजिक क्वालिटी के सेगमेंट में, जो कि टर्बो जीत जाते हैं। लोज दोनों में गुड मिलते हैं, मिड्स यहाँ पे मफल हो जाएंगे आपके फैंटम में, क्योंकि मेरे पास नेकबैंड में भी मफल हो जाते हैं उसमें भी मिड्स, और हाई पे डिस्टॉर्ट होता है थोड़ा बहुत यहाँ पे फैंटम आपका, टर्बो डिस्टॉर्ट नहीं होगा फुल वॉल्यूम पे भी। 8 घंटे का प्ले टाइम दोनों में मिल जाएगा, उसी के साथ साथ 4.5 घंटे का कॉल टाइम मिल जाता है, और ओवरऑल साउंड आउटपुट मतलब ओवरऑल जो बैटरी बैकअप है 30 आवर्स का मिलता है दोनों में ही। अगर आप रफली हैवी यूज़ करते हो तो 25 घंटे का देखने को मिल सकता है, ये मैं कह रहा हूँ 60% वॉल्यूम पे, राइट।
प्राइसिंग पे चलते हैं। टर्बो 1000 रुपीज़ में लॉन्च हुए थे, इसका प्राइस बढ़ चुका है 1299 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में फ्लिपकार्ट में मिल रहे हैं, अभी भी वैल्यू फॉर मनी है। इससे बेटर तो मेरे ख्याल से अभी है नहीं गेमिंग बर्ड्स जो आपको 1299 मिल जाए और जो कि 50 मिलीसेकंड की लेटेंसी सुपर लो लेटेंसी के साथ आएँ, और फैंटम 899 में आएंगे। इसका मैं रिव्यू कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर बताना मेरे से, मैं अनबॉक्सिंग करूंगा बाय करके आप सभी के लिए, और टर्बो के साथ कंपेयर भी करूंगा, फिजिकल कंपेयर भी रहने वाला है। तो गाइस यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी कौन से, अभी तो मेरे को यही है टर्बो ही वैल्यू फॉर मनी लग रहे हैं, जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली हो चुका है 15 से 20 दिन, तो टर्बो ज़्यादा बेटर लग रहे हैं मेरे को। दोनों की बेस्ट वैल्यू अपडेट कर दूंगा। वैसे तो फैंटम अभी सेल पे जाएंगे सून, सेल पे जाने वाले 8 तारीख को, आई गेस परसों जाएंगे सेल पे, तो आप ग्रैब ऑन कर पाओगे। वैसे परसों मैं बुक कर ही दूंगा वैसे अनबॉक्सिंग के लिए। तो गाइस ये था मेरी डीप डाउन कंपैरिजन आपके विंग्स फैंटम 250 वर्सेस डीफी ग्रेविटी टर्बो के लिए। अगर आपका क्वेरी इन बर्ड्स के रिलेटेड या किसी और बर्ड्स का कंपैरिजन भी चाहिए तो आप मेरे से जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।